जय श्री कृष्ण। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल, दिनांक 9/1/2021, अध्याय 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। कल हमने वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति को निम्न श्रेणियों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आता है क वन, ख में घास स्थल और ग में आता है कांटेदार झाड़ियां। जैसे जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, जो घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं और शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां, शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं और जो उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले, देखिए वन उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां शुष्क क्षेत्रों में होते हैं। जैसे देखिए हम लोगों ने कांटेदार झाड़ और झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं और सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना वो अनुभव अपने पिता को बता रही थी, तो उसके पिता विश्व में विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों और विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उपध्रुव प्रदेशों में शंकुधारी वन, जैसे शंकुधारी वन जो है ये उपध्रुवीय वन, उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं और रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियां, रेगिस्तान में कांटेदार, जैसे बबूल, रेगिस्तान में कांटेदार जैसे बबूल झाड़ियां आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अनेक जानकारियां दी। हिमालय के क्षेत्रों में लगभग कई अन्य जानकारियां भी उसको दी गई और कई प्रकार की वनस्पतियां वहां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। वन प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है, मतलब वनस्पतियों के प्रकार
मैं बदलाव जलवायु देखिए, ग्रीष्म ऋतु में कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर अलग वनस्पति पाई जाती है, मतलब और कई प्रकार के जैसे कांटेदार झाड़ियां, जैसे नागफनी है, बबूल है, जैसे देसी बबूल है और नागफनी, थौर, कंटाला आदि कई प्रकार की मतलब वनस्पतियां वहां पर पाई जाती है। और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। और एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। दूसरा देखिए, इसके अंतर्गत कई प्रकार के इसके अंतर्गत हमारे पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए, इसके अंतर्गत हमारे कई प्रकार के वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन अधिक वर्षा वाले वनों में पाए जाते, घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष या वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। जैसे रोजवुड है, आबनूस है, मोहगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णधारी वन जो होते हैं ये मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झड़ जाते हैं। वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ट वृक्षों में जैसे साल, सागवान, नीम और सीसम आदि वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं, इसमें कई प्रकार के वन्य जानवर पाए जाते हैं। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जो है, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। महाद्वीपों की पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राजील या बाज, चीड, इकोलिप्टस जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो वनों के जो प्रकार है उसके अंतर्गत आता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, शीतोष्ण सदाबहार वन और एक वन पाया जाता है जैसे शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये चीन, अमेरिका, चीनी, पश्चिमी यूरोप की तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बाज, एस, बीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। मोलाज जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति महाद्वीपों के पूर्व उत्तर पूर्व किनारों की अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार पर्णधारी पेड़ों से ढके रहते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागरीय समीप वाले प्रदेशों में ये पाई जाती है। जैसे यहाँ पर संतरा, अंजीर,
जैतून अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है या वन्य जीव भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने वहां से जंगल को काट दिया और वहां से धीरे धीरे वन्य जीव लुप्त होते गए।